विदेशी ठारू अधिकार मजबूत
तो क्या कहना, मैं तो गुरु के गुरु है, तो इनकी डायरेक्शन में, इनके निगरानी में, इनके सीख के तले ये नाटक तैयार हुआ है। सुबोध जी, सुबोध जी प्रणाम। तो ऐसे में हम लोग तो बूढ़े हो रहे हैं, देश की इस नाट्यशाली को, इस थिएटर को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें इन्हीं नए नौजवानों को, नई जनरेशन को एनकरेज भी करना है, ट्रेन भी करना है, इनके अंदर वो सेंसिबिलिटी बिल्ड करनी है। क्योंकि मेरा मानना है कि थिएटर जो है, इट मेक्स नेशन वाइज वाइज एंड इंटेलिजेंट, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। आप इंटेलिजेंट हो सकते हैं, आप पीएचडी भी करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करें, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी बन जाए, लेकिन अगर आप वाइज नहीं होंगे तो आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। 2010 में भारत सरकार आदिवासी लोगों का, गांव में जो लोग रहते हैं उनके लिए एक फॉरेस्ट राइट एक्ट बोल के, FRA बोल के बिल पास किया, वो भी नियम बन गया। उसके अधीन क्या हुआ, जितने सारे आदिवासी लोग रहते हैं गांव में, उनके पास पट्टा नहीं है, उनका जमीन का कुछ भी लीगल कागजात नहीं है, और गांव का भी डिमार्केशन एग्जैक्टली नहीं है, उनके भी कितना जंगल वो यूज कर सकते हैं और कौन सा जंगल रिजर्व है वो भी उनको पता नहीं है।